सरकार ऐसी है जो हनुमान जी के दर्शन पे भी आज रोक लगाती है। भारत बंद पे आपका क्या समर्थन है? भारत बंद में पूरी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देश हैं कि किसानों के हित की लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। नमस्कार, मैं और रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री को योगी सरकार ने नज़रबंद कर लिया है। ये आरोप खुद पूर्व मंत्री ने लगाए हैं। कहा है कि आज मंगलवार का दिन है, वो अपने घर के बाहर हनुमान जी के दर्शन के लिए जाना चाह रहे थे मंदिर, लेकिन उन्हें घर में ही डिटेन कर लिया गया है। तानाशाह सरकार ने आवाज़ को दबाने के लिए निचता दिखाई है। आपको बता दें कि मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है, जहां पर पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद सिंह गोप को बाराबंकी आवास पर नज़रबंद किया गया है। अरविंद सिंह गोप का आरोप है कि पुलिस आज हनुमान मंदिर जाने की भी इजाज़त नहीं दे रही है। गोप ने कहा कि मैं हर मंगलवार को हनुमान मंदिर दर्शन करने जाता रहा हूँ, लेकिन भाजपा सरकार तो हनुमान जी के दर्शन भी नहीं करने दे रही है। क्या कुछ कहना है अरविंद गोप का, पहले ये सुनिए। भाई, मैं हर मंगलवार को मंदिर जाता हूँ दर्शन करने के लिए, सुबह से पूरे गेट पर पुलिस लगी हुई है। छोटा साहब से उन्होंने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि आप घर से नहीं जा सकते क्योंकि आप पूजा करने भी नहीं जाएंगे। ये सरकार ऐसी है जो हनुमान जी के दर्शन पे भी आज रोक लगा दी है। भारत बंद पे आपका क्या समर्थन है? भारत बंद में पूरी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देश हैं कि किसानों के हित की लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। जब तक किसानों के पक्ष में फैसला जो है, काला कानून वापस ही होगा, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारा प्रदर्शन धरना लोकतंत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से है, भारत बंद भी शांतिपूर्ण तरीके से है। लेकिन अफसोस है, ये सरकार इतना घबरा गई है कि पुलिस के दम पे इस आंदोलन को दबाना चाहती है। हम बारीकी लोगों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग कहते अपना धरना प्रदर्शन करें। तो आप आज धरने में बाहर निकलेंगे कि आप देख रहे हैं जब मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता रुकता नहीं है। अब इन पार्टी नेताओं से विचार विमर्श करके हम तय करेंगे क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को घर में ही नज़रबंद कर लिया गया है। वहाँ पर किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी गई है। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए ये कदम योगी सरकार की तरफ से उठाया गया है। देशव्यापी किसान बंद जो है आंदोलन के तहत जो बंद बुलाया गया है, उसका जो है मिला जुला असर दिख रहा है। सबसे ज़्यादा असर पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में है, जबकि उन राज्यों में जहाँ पर NDA या फिर BJP की सरकार है, वहाँ पर ये असर बेहद कम है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी जो है लगातार सुबह से RJD समर्थकों की तरफ से ऐसे जो बंद हैं उसको सफल बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन तेजस्वी यादव खुद इस पूरे सीन से गायब नजर आए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।